ये हमारे पिताजी हमसे हमेशा कहते कि हम तो बेटा मध्यम वर्ग के लोग, हम कौन सा मुगल खानदान के लोग। तो तुम ये कभी मत सोचना कि तुम हारोगे तो बेइज्जती हो जाएगी। तुम अकबर के बेटे थोड़े हो, तुम तो एक डाकखाना के बाबू के बेटे हो, तो तुम्हारे हारने से तुम्हारी बेइज्जती तो कभी होगी ही नहीं। तारीफ कुछ लोग जरूर करेंगे कि फलाने का लड़का लड़ाई किया। आपको क्या डरने की जरूरत है सर? आप क्यों सोचते हैं मेरी बेइज्जती होने दो सर कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे? लोग सिर्फ मुर्दे पर नहीं हंसते, जो जिंदा है उस पर तो लोग हंसेंगे ही सर। अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं इसका मतलब आप जिंदा हैं। अगर लोग आपको पीठ पीछे गाली दे रहे हैं इसका मतलब आपने चमकना शुरू कर दिया है। अगर लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं तो आप कहीं बहुत आगे बढ़ रहे हैं सर। ये सब दिशा सूचक यंत्र है, गाली आलोचना। पर हमारे मिडिल क्लास के पेरेंट्स हमको बहुत डराते हैं। बहुत पेरेंट्स को बेटा बेइज्जती मत कराना, मैं तुगलक वंश के हो बेइज्जती मत कराना कि मौर्य वंश के हो। अंबेडकर की बेइज्जती हुई उन्होंने मजा लिया भगवान बन गए, गांधी की बेइज्जती हुई उन्होंने मजा लिया भगवान बन गए, चाणक्य की बेइज्जती हुई मजा लिया भगवान बन गए। बेइज्जती तो बहुत जरूरी चीज है सर जीवन में।